सिर्फ उत्तर भारतीय समाज को हमेशा बेइज्जत किया जाता है। ऐसी क्या वजह है कि हम ही लोग कभी जफर नुमानी, कभी राजू अंसारी, कभी शमीम खान उनसे भाई साहब से यह पूछना है कि भाई साहब सैदरी भाई साहब आप भी संभल के रहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर एक बार आप गोंडा बस्ती बिहार बहराइच कहीं फैजाबाद कहीं का भी उत्तर भारतीय उनको पूरी ताकत के साथ जनाब जगजीत मुल्ला के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये समझ शमीम खान की बेइज्जती है तो पूरे उत्तर भारतीय समाज की बेइज्जती है। जफर नवानी की बेइज्जती हुई पूरे उत्तर भारतीय समाज की बेइज्जती हुई, राजू अंसारी की बेइज्जती की गई तो पूरे उत्तर भारतीय समाज की गई। आखिर बोलता हूँ अब भाई साहब का ही नंबर है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब के साथ भी कुछ लोग पीछे पीछे कुछ कह रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा आने में कहने में उनको वक्त नहीं लगेगा। जफर भाई क्या कहेंगे, अक्सर जो है देखा गया है कि शरद पवार गुट में जब आप थे और भी जो उत्तर भारतीय लोग हैं ज्यादातर उनको ही टारगेट किया जाता है, उनकी ही बेइज्जती की जाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है यूनुस शेख द्वारा जो है शमीम खान साहब की भी बेइज्जती की गई, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। देखिए बात ऐसी नहीं है कि यूनुस शेख के जरिए ही किसी उत्तर भारतीय समाज की बेइज्जती की गई। उससे सबसे पहला टारगेट राजू अंसारी साहब हुए जो उत्तर भारतीय समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिनका आबाई गांव वतन गोंडा है। फिर उसके बाद जफर नोमानी को बेइज्जत किया गया जिनका आबाई वतन आजमगढ़ है। उसके बाद राजू अंसारी साहब हो गए, ये हो गए। फिर हमारे जो अध्यक्ष साहब है तुतारी में शमीम खान साहब, उनके वो जिस तरीके से सरे आम मीडिया के जरिए ऑनलाइन आकर के मीडिया के जरिए तमाम समाज के सामने जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, मुझे एक बात समझ में बात नहीं आती कि उत्तर भारतीय समाज को ही बेइज्जत क्यों किया जाता है। हम लोग मुबरा कोसा में उत्तर भारतीय जो समाज है वो 65% है तकरीबन जी, 35% में हमारे कोकण समाज और अदर समाज के लोग, उनके ऊपर कभी भी कोई उंगली ना उठते हुए, उनको किसी किस्म की आंख ना दिखाते हुए सिर्फ उत्तर भारतीय समाज को हमेशा बेइज्जत किया जाता है। ऐसी क्या वजह है कि हम ही लोग कभी जफर नुमानी, कभी राजू अंसारी, कभी शमीम खान, मुझे तो आप उनसे भाई साहब से ये पूछना है कि भाई साहब सैदरी भाई साहब आप भी संभल के रहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आप ही का हो, क्योंकि उनके यहाँ किसी पर लगाम नहीं है। कभी आवार साहब किसी की बेइज्जती कर देते हैं, कभी रूता मैडम किसी की बेइज्जती कर देती है, कभी उनका कार्यकर्ता कोई है जो किसी की बेइज्जती कर देता है। तो मैं तमाम उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आने वाला वक्त आपके हाथ में है, अगर आपने अब की बार सही डिसीजन ले लिया तो इंशाअल्लाह जो बार बार उत्तर भारतीय समाज के लोगों की बेइज्जती की जाती है ना, ये दौर बंद हो जाएगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो आप लोग को बहुत समझदारी से वोट करना है। आप ये मत समझिए कि वो आजमगढ़ गोंडा बस्ती बिहार बहराइच कहीं फैजाबाद कहीं का भी उत्तर भारतीय हो, उनको पूरी ताकत के साथ जनाब जगजीत मुल्ला के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये समझ शमीम खान की बेइज्जती है तो पूरे उत्तर भारतीय समाज की बेइज्जती है। जफर नवानी की बेइज्जती हुई पूरे उत्तर भारतीय समाज की बेइज्जती हुई, राजू अंसारी की बेइज्जती की गई तो पूरे उत्तर भारतीय समाज की गई। फिर बोलता हूँ अब भाई साहब का ही नंबर है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब के साथ भी कुछ लोग पीछे पीछे कुछ कह रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा आने में कहने में उनको भी वक्त नहीं लगेगा। तो मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ खासकर उत्तर, क्यों? क्योंकि पूरा कोकण समाज पूरे उत्तर भारतीयों के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। क्यों? उसकी वजह बता दूं कि उत्तर भारतीय समाज, उत्तर भारतीय लोग जब महाराष्ट्र में आए और खासकर जब मुमरा में आए तो उत्तर भारतीयों को यहाँ का जो कोकण समाज था, कोकण का पार्ट है, कोकण का एक हिस्सा है, उन लोगों ने हमको गले लगाया, मोहब्बत की, फुलूस पेश किया, अपना भाई समझा, हमको अपना बनाया। तो और हम लोग ये हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो बार बार उत्तर भारतीय समाज की बेइज्जती करते रहते हैं। तो मैं फिर बोलता हूँ कि अब की बार 65% उत्तर भारतीय हो, तुम मुमरा कोसा में निर्णायक हो, निर्णायक तुम्हारा वोट बहुत माने रखता है, तमाम समाज के लोग तो ही है, बाकी उत्तर भारतीय समाज के साथ में कोकण समाज, अग्नि समाज, यहाँ का दलित समाज, वहां का और भी जो भी अदर लोग हैं वो लोग तो आपके साथ खड़े ही है। पूरी ताकत के साथ आप नजीब मुल्ला साहब के साथ में खड़े रहे,
20 तारीख को वोट है, कोई भी किसी के झांसे में ना आए, कोई किसी के वर्गलात में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। नजीब मुल्ला की निशानी घर ही है। ये बार बार जो आपके बीच में जाकर के कहते हैं कि वो फलानी पार्टी के साथ है, फलानी पार्टी के साथ है, तो साफ बोल दे रहा कि नजीब मुल्ला साहब की निशानी घड़ी है। आने वाली 20 तारीख को, 20 नवंबर को वोटिंग के दिन आप सबकी बातें सुनिए, लेकिन जब आप मशीन पर जाए तो सिर्फ घड़ी की निशानी पर वोट देकर के जनाब नजीब मुल्ला साहब को जिताए, और जो बार बार उत्तर भारतीय समाज की बेइज्जती की जा रही है उसका बदला मिले। जफर भाई, तुतारी के ही कुछ लोगों का ये कहना है कि जब राजीव अंसारी साहब के ऊपर केस हुआ था तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है शरद पवार पार्टी के लोगों का था, उनको बाहर निकालने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए। कौन था पूछे ना सर? ये मैं उसका आई विटनेस हूँ। जफर नोमानी राजू भाई की रिहाई पर जब थाना के जेल पर जाकर के उनके लिए जाते हैं तो जफर नोमानी को उसके लिए भी टारगेट किया जाता है कि राजू अंसारी को रिहाई के वक्त जफर नोमानी क्यों गए, शाहआलम आजमी क्यों गए। हाँ देखिए, शाहआलम आजमी क्यों गए, अरे उसके लिए भी हमको बार बार क्वेश्चन आंसर किया जाता है, किसी का कोई योगदान नहीं है। अगर उनकी छवि होती तो वो लोग पूरी कोशिश ये करते राजू अंसारी की रिहाई में रुकावट पैदा करने के लिए। देखिए अल्लाह का, मैं कहता हूँ ना सर, आमतौर पे ये तो देखा ही गया है कि काम कोई और करता है, श्रेय कोई और लेता है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन रास्ता बना दिया, इन्होंने पूरी कोशिश की कि राजू अंसारी के गुम ना हो पाए, राजू अंसारी के परिवार हमेशा परेशान रहे, उनको हर तरीके तरह तरीके से परेशान की गई, बल्कि उनकी वालदा जो है बाहयात थी उनके घर पर हमला करवाया गया। कौन लोग थे वो लोग, कौन हमला करवा रहा था, किसके साथ? और जो कालशेखर का केस हुआ था, उस कालशेखर केस का मैं आई विटनेस हूँ, आई विटनेस, उस पर किस तरीके से आफरीन सौदागर को वरगलाया गया। जब आफरीन सौदागर गई कंप्लेन करने के लिए, सिर्फ एनसी हुई, एनसी के बाद कौन पुलिस स्टेशन पहुंचा, कितने सीनियर पर प्रेशर डाला, उसके बाद जुबेर रावल मरहूम साहब जिंदा, इनको उनका इंतकाल हो गया, उस वक्त वो बाहयात थे, वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, किस तरीके से उनको समझा करके डरा करके उनको वापिस भेजा गया। जुबेर रावल साहब को कोविड में जब मैं उनके अब्दुल्ला पटेल स्कूल में मिलने गया था, उन्होंने मुझे साफ लफ्जों में कहा था कि जफर भाई हम लोग नहीं चाह रहे थे केस करने के लिए, लेकिन हम पर बहुत प्रेशर डाला गया, आफरीन सौदागर पे प्रेशर डाला गया और राजू अंसारी पे झूठा केस बनाया गया। ये लोग क्या बात करेंगे, मैं तो जानता हूँ, मुझसे हालात पूछो ना, क्योंकि मैं उस समुन्द्र में रह करके आया हूँ, मुझे मालूम है कि वहां पर कितनी गंदगी है, किस तरीके की गंदी जहरीत के लोग वहां पर, कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बार बार जाके कान भरते हैं कि फलाना आदमी ऐसा है, फलाना आदमी ऐसा है। अरे मैं राजू अंसारी के साथ मेरे उत्तर भारतीय रहे, उत्तर भारतीय से जाकर के मिले तो उनका दुश्मन, अब मैं शाहआलम को मिलूं तो दुश्मन, मैं कोकण समाज के लोगों से मिलूं इब्राहिम राउत साहब से तो मैं दुश्मन, मैं अग्नि समाज के लोगों से मिलूं तो भी दुश्मन। अरे भाई, एक तरफ आप ये पैगाम देखते हो कि सर्वधर्म समान, सबको मिला जुला करके ले चलो, दूसरी तरफ आप लोगों को आपस में तफरका पैदा करते हो, तोड़ने का काम करते हो, ये कौन सी राजनीति हो रही है? मैं फिर कहता हूँ उत्तर भारतीय, अपने औकात को, अपने अपने मकाम को समझो, अपनी हैसियत को समझो, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। अब की बार अगर आपके हाथ ने अपने हाथ से मौका छोड़ दिया और जाने दिया तो आपको अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका वापिस नहीं आएगा, तो इसलिए होशियार रहे। शमीम खान की बेइज्जती, जफर नवानी की बेइज्जती, राजू अंसारी की बेइज्जती, ये समझिए ये आपकी बेइज्जती, तमाम लोग की बेइज्जती है, या किसी भी कोकण समाज की या किसी भी समाज की अगर वो लोग बेइज्जती करते हैं, समझो हमारे भाई बहन की बेइज्जती हो रही। इस बात का ख्याल ध्यान रखें।